नमस्कार दोस्तों, अनोखा रॉक स्टार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुजफ्फरपुर सगौली बापूधाम मोतिहारी नरकटियागंज के रास्ते दिल्ली जाने के लिए मात्र दो ही ट्रेन है, खासतौर पर बेतिया के लोगों की अगर बात करें तो। एक सप्त क्रांति एक्सप्रेस जो कि मुजफ्फरपुर की ओर से जो है भीड़ होकर आती है, और दूसरी जो ट्रेन है वो सत्याग्रह एक्सप्रेस है जो रक्सौल रामगढ़वा और सगौली में जो है फूल हो जाती है। तो जो बेतिया के यात्री हैं, नरकटियागंज के यात्री हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा था और काफ़ी दिन से जो है एक ट्रेन की मांग चल रही थी, खासतौर पर आनंद विहार के लिए। और इस तरह की मांग जो है काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन रेलवे ने मान लिया है और एक ट्रेन का परिचालन करने जा रहा है जो सप्ताह में जो है सातों दिन होगा। इस ट्रेन का बात करें तो इस ट्रेन का नाम दिया गया है क्लोन एक्सप्रेस। अगर नंबर की बात करें तो जो मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए जाएगी इसका नंबर होगा 0582, और जो आनंद विहार से मुजफ्फरपुर आएगी इसका नंबर होगा 0584। तो आप सभी को बता दें कि सुबह में यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से 6:30 में खुलेगी और 7 बजे यह ट्रेन मोतीपुर आएगी, 7:02 पर वहाँ से खुलेगी, 7:17 में महेसी पहुँच जाएगी, 2 मिनट यहाँ रुक कर 7:19 में खुलेगी, चकिया 7:28 में पहुँचेगी, 7:30 में चकिया से खुलेगी, पीपरा में 7:38 पर पहुँचेगी, और यह बापूधाम मोतिहारी 7:57 पर पहुँचेगी, सगौली 7:25 पर, बेतिया 8:50 पर, वहीं नरकटियागंज की बात करें तो 9:30 पर, हरिनगर में 9:53 पर, बगहा में छोड़ दें तो यह 2:50 पर गोरखपुर आएगी। उसके बाद बस्ती में यह 4 बजे ट्रेन शाम को पहुँचेगी, गोंडा यह 5:30 पर पहुँचेगी। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करें तो ट्रेन 8 बजे रात को जो है पहुँच जाएगी लखनऊ, और लखनऊ के बाद इसका स्टॉपेज की बात करें तो मुरादाबाद में है, जहाँ यह जो है रात्रि को 1:30 पर पहुँचेगी और आनंद विहार सुबह 5 बजे छोड़ देगी। तो टाइमिंग बहुत बढ़िया है। आनंद विहार से वापसी की बात करें तो यह सुबह 7 बजे आनंद विहार से चलेगी, 10:10 पर मुरादाबाद पहुँच जाएगी, और आप सभी को बता दें मुरादाबाद के बाद डायरेक्ट जो इसका लखनऊ में इसका स्टॉपेज दिया गया है और बहुत कम स्टॉपेज हैं। तो लखनऊ में 3:20 पर पहुँचेगी शाम को, वही गोंडा 6 बजे पहुँचा देगी ट्रेन शाम को। तो टाइमिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद बस्ती 7:25 पर आ जाएगी, बस्ती के बाद इसका स्टॉपेज गोरखपुर है जो 9 बजे रात को पहुँचाएगी आपको। उसके बाद जो है गोरखपुर और बगहा के बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, बगहा यह 11:45 पर पहुँचाएगी, और सिसवा कप्तानगंज में स्टॉपेज नहीं है, हरिनगर में 12:10 पर आएगी, वहीं नरघटियागंज में 12:30 पहुँचाएगी, और बेतिया में रात्रि को 1:10 पर पहुँचाएगी, सगौली में 1:25 में, वहीं बात करें ना बापूधाम मोतिहारी 2:02 पर आएगी, पीपरा में 2:33 पर, चकिया में 2:45 में आएगी, और महेसी की बात करें तो 2:58 में, मोतीपुर में 3:20 और 4:50 पर यह मुजफ्फरपुर पहुंचा देगी। तो आप सभी को बता दें कि ये ट्रेन जो है ख़ास तौर पर बेतिया के रेल यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा, और ख़ास तौर पर अगर बात करें तो चंपारण के जो है कई रेलवे स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज दिया गया है, जैसे चकिया में है, पिपरा में है, उसी तरह बापूधाम मोतिहारी में, सगौली में, बेतिया में, नरकटियागंज, हरिनगर, बगहा, तो इन तमाम स्टेशनों पर इस ट्रेन का जो है स्टॉपेज दिया गया, बहुत अच्छी बात है और इन यात्रियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो शपथ क्रांति में जो है ज़्यादा भीड़ होने की वजह से रेलवे इस तरह का ट्रेन का परिचालन कर रहा है, और ये होना भी चाहिए, और इस तरह का ट्रेन का परिचालन अगर रेगुलर हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि अभी फ़िलहाल इस ट्रेन को जो है स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है, अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में इस ट्रेन को जो है रेगुलर कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि इस ट्रेन में जनरल के साथ साथ स्लीपर और AC बोगी भी हैं। तो कल हम जो है आपको वीडियो दिखाएँगे जिसमें आपको जो है इस ट्रेन का जो इंजन होगा उसके अलावा कितने डिब्बे होंगे, तमाम तरह की हम जानकारी कल के लाइव वीडियो में हम दिखाएंगे, क्योंकि कल हम इसको बेतिया से कवरेज करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।